डॉक्टर वैलेंटाइन, क्या खबर है? बवेरियन का एक छोटा भी है। दबा कर दो इसे। ठीक है सर। सब कुछ हिलेगा तो नुकसान तो होगा ही। आपका इंतजार कर रही थी। सुबह 9 बजे मिलना था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सॉरी। लगा दो। माफ कीजिए, आने में देर हो गई। अच्छे दिख रहे हैं, ये स्टाइल अच्छा है। ये मस्का पॉलिश में रख दी। सल्टाकन के नागरिकों, ये भी हो सकता है कि वो शायद पढ़ना और लिखना ही भूल गए हो। माल है ना, वो आज से कितनी अलग थी। हाँ, वैसे बन गया। सब खत्म। इसे वो कहते थे मेड्यूसा। उन्होंने इस छुटको को बनाया था, क्रैश ड्राइव। उन्होंने अपने बॉस को, और उसके बाद बस कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फैसला किया, गुजरेंगे तो मैं पूरा कबाड़ उठा के कहीं पे फेंक दूंगा। तुम अब तो क्या क्या कर रहे हो नाचो? तुमने फिर से झगड़ा किया तो इस बार मशीन साफ करने की नौबत आएगी। चलो तब। रुको, मैं तुम्हें नीचे ले जा सकती हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हें नीचे ले जा। आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143life.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। बस हो गया, हम पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। मिट्टी में डाल देंगे उन्हें, तो बस शैतान की भूख मिटाना है। कुछ देर के लिए अपने माँ बाप से जुदा किया जाएगा। कार विरोधी काम करने वाली, इसे तो जेल में होना चाहिए मेरे हिसाब से। विद्रोही हमसे पूरी तरह से चिढ़ते हैं। अच्छा, किससे? हमारी तरक्की से? ये उनके लिए तो ठीक है। टॉम, फिर से वही ड्यूटी? हाँ, तू यहाँ नीचे क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, रुको। अरे यार, मैं ये किस्सा नहीं चलाऊं। तुम तो औजारों, ये हमारे म्यूजियम में मौजूद हर चीज से काफी अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छे लोग थे, अव्वल दर्जे के इतिहासकार दोनों ही, लेकिन इस खदान शहर के लोग खुदाई में काफी माहिर हैं। मैंने इन्वर्टर सेल चुरा लिए बस कुछ ही महीनों पहले। डॉक्टर पोमरॉय बहुत नाराज थे। कहना छोड़ दो मुझे। चलो। इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं है, और आप सबके साथ वैलेंटाइन। यही रुक रहा। कब से सोच रहा हूँ कि वो कौन थी। पर वो आपको जानती थी। मैंने उसे ऐसे कह सकते हैं। तो फिर वो सुरक्षा दीवार के पीछे दुबक कर क्यों बैठे हैं अपने? मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे पीछे। ओए, रुको, कहाँ जा रही हो?
कामयाब होंगे। ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। थोड़ा और वक्त चाहिए मुझे, पर मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। मैं तो है जो अब वजूद में ही नहीं है, जो ताकतवर है वही टिकेगा। मैं ठीक हूँ गेट। आप ठीक नहीं है, आप जख्मी है, आपको जानने की जरूरत नहीं। यही बात तो पसंद है, जिसकी बैंड बजी हो उसकी और बजाओ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं तुम। हाँ एक बात बता देता हूँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। कह रही है आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। हमें उस ओर नहीं जाते, कभी नहीं। मशीनी कबाड़ तुम्हारे पास ही आता है। इसे शुरू करने जब तक मैं मरता नहीं वो शांत नहीं बैठेगी। अगर किसी चीज का शिकार कर रहा था या किसी इंसान का, हमारा पता चल जाएगा। वो जोखिम उठाना ज्यादा अच्छा है। का खाना कभी नहीं सड़ता, हमेशा खाने लायक रहता है। सपने देखता था और आज बाहर आया हूं तो अपना पेशाब पीने की नौबत आ गई है। याद आती नीचे आओ। वहां एक शहर है, वहां देखो 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 ज्यादा है। दूर हटो मुझसे। कर कर हमारा जहां हम आ गए। मिस्टर वेलर और ठीक कह रही सोनियो, तो रास्ता मोड़ो उत्तर की तरफ चलो। कमाल है तेनू अच्छी लगी। दरअसल मैंने ऐसे गंदे नाले की काय से बना तुम एक अच्छे इंसान है। चुप कभी कुछ चुप करो, उसने उसे धक्का मारा। तुम्हारे डैड अंदर जाने की कोशिश की पर हर जगह कड़ी सुरक्षा है। बचना, मैं सुबह ताजा ताजा काय की चाय लेकर आ जाऊंगी। तेरा मतलब ये नहीं था? नहीं, मुझे आपका मतलब पता है। देखो तुम ऊपर सो जाओ, मैं ये सारी गलती। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उन्हें देखा जो माने प्राचीन अमेरिका। रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये मेरे नहीं, मौका का कत्ल कर दिया। ये वहां से निकल गई। पूरे एक शहर को तबाह कर डालो और वहां के सारे लोगों को मार डालो। नहीं आती वो इसलिए कि तुम उसका शिकार। उसने अपना करोगे उसे जिंदा नहीं। अच्छी तरह जानता हूं ये क्या करेगा। का कोई तो रास्ता हो। जा सकता था लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं। स्वागत है खरीदारों, ध्यान दो ये अगली चीज है। खाने पॉपकॉर्न बनाने का आखिरी मौका है।
आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। एक अनजान बोली ले 50 कौड़ियां कोई 50,000 कौड़ियां तो नहीं है ना? मैं दो एक हाथ लो, मुझे सौदा मंजूर है। ये तो एक मशीनी आदमी है। जब सुना कि इतनी सारी शैतानी और वैश्य आदतों को, जैसे कि दरिंदगी, नफरत, वैसे जिगरी दोस्त हूं मैं आपकी बेटी। वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास पुराना मशीनी सामान है। उनकी ही वजह से आज मेरी सांसें चल रही हैं। खाओ जिंदा लोग। ऐसी चीजें जो बाकी लोग फेंक दिया करते थे। नहीं है इसका मेरी आसो हमेशा उदारूंगा दर्द तुम्हारा। मार डालेंगे मुझे सिर्फ कुछ वक्त के। ना कोई यादें, ना कोई सही मौका था वैलेंटाइन से मेरा बदला लेने का। यही है मेरी दुख भरी कहानी। कहाँ जा? डॉक्टर पॉमरॉय का रास्ता सेंट पॉल्स के नीचे मौजूद तहखाने तक जाता है। सब अच्छा, तुम इसे लैंड यानी हैनिवर तुम्हें लैंड करने की मंजूरी है डॉक्टर। चुंबकीय तरंगे ये उससे वैलेंटाइन का डर था कि वो उस चीज के साथ क्या करेगा अगर तुम्हारे यह छीना था। एक पुराना तकनीकी सामान। वो किस था? उसे मिला कुछ ऐसा डमोर जा हथियार का।
आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। English Hall विदे। वो एक तरह की चाबी है नाकाम करने का नहीं आया। वैलेंटाइन के निशाने पर वो चाबी है। भी नहीं टिक सकता है, ना ही आग एंजल के जंगी हथौड़े। इधर पहाड़ों के पास देखा था, वो पूरी पहाड़ी मैदान पर पहुंच गए होंगे। हमारे पास कितना वक्त है? हमारी परवाह नहीं, वो मर चुका है, ये हमारा भविष्य है। इससे जुड़ी हर तकनीकी जानकारी अभी के अभी मेरे ऑफिस पहुंच। का सड़ा गला माल हो डायनासोर की तरह। वहां नहीं जा सकती तुम जान। ये एक तरीका है। नुमाइश करेगा वो ताकत जिसके आगे कि उसके बाद किसी की गुलामी नहीं करूंगी मैं। पूर्वीय देशों के जाबाज रक्षा करते सेना को इजाजत दीजिए। जरूर होगा, उस शहर में हजारों बेगुनाह मौजूद हैं, उन बेचारों का क्या कसूर? जरूर अपना था। नहीं वो चलते हैं। 6:30 लंदन की तोपें बहुत खतरनाक है, उन्हें कम मत समझना। चर्च तक पहुंच आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें।
आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। हमें इसी वक्त लंदन जाना होगा। पागल हो गए हो? वो फिर से हथियार से मार के तुम आगे रहोगे। यास्मीना, तुम उसके पास ही उड़ोगी। अपनी माँ की खातिर। हाँ पैंडोरा की। सुनो, इसका ख्याल रखना। रुको, तापमान का स्थिर होना जरूरी है। हार निश्चित है। पांच। आपके खत्म। ये जिंदगी अली है और किस लिए डैड? हम दोनों बच सकते हैं। किस से डैड? लंदन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मुझे सुन सकते हो? लंदन एयर ट्रैफिक, यहां से कहीं नहीं जाओगे। यकीन करो, लड़के वापसी करोगी। तुम हार नहीं मानती, तुम पहले से जानती थी। इरादा बिल्कुल नेक है। आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में।
हमें जीवन दान देने वाले आपके लिए प्राण वायु। आपकी सेवा में। मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ गई थी देशों की आपसी रंजिश और मतभेद की वजह से। पहला हमला किसने किया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया और जल्द ही ये धरती परमाणु अग्नि में झुलस रही थी। जो लोग बच गए वो बचे कुचे शहरों में अपना आसरा बना के रहने लगे और धरती ने मानवों के खिलाफ अपना प्रलय खेल शुरू किया जो मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस परमाणु रेगिस्तान में हमारा शहर ही बच सका। हमारे बचने की एक ही वजह थी प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की भेंट धरती के नाम। तुम्हें और सटीक होना होगा। अगर तुम्हें रिदम से प्रॉब्लम है तो अपने मूव्स पर ध्यान दो, ठीक है? उन्हें गिनो और खत्म करो, समझ गए? क्या ये सच है कि चैंपियन क्रेन ने एरेना में जीतने से पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की? हाँ, क्योंकि वो उड़ सकते हैं और उनके चार पैर। ये लो, बाकी सब में बांट देना। अब निकलो, भागो। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। कोस्तिया 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 40 फिल्टर कोस्तिया नहीं 30। क्या सच में? मैं सोच रहा था कि तुमने अरीना में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तुम शहर की मदद करना चाहते थे, है ना? मैं शहर के लिए खुशी से मर जाऊंगा, पर किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। क्लासिक। तुम्हारे पास बेचने के लिए 30 फिल्टर थे।
मेरे पैसे कहाँ हैं कोस्तिया? मेरे पास फिल्टर्स नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा हर हफ्ते की 100। 100 वो भी हर हफ्ते? ठीक है, तुम जा सकते हो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो फिल्टर्स मेरे थे कोस्तिया, मेरे थे, ना तुम्हारे ना उसके, वो मेरे थे। रॉबिन हुड की औलाद, एक बात बताऊं, तेरी किस्मत बहुत बुरी है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कोस्तिया। अब तैयार हो जा। रुको! एरिया सील कर दो। चलो, नए वीरों की जरूरत है जो अपना बलिदान दे सके। उन लोगों के लिए हमारे बंकरों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हर वो नौजवान जो 30 साल से कम उम्र का है वो वॉलंटियर इंस्पेक्शन ऑफिस में आकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। शहर उनका इंतजार कर रहा है, उस वीरों का इंतजार कर रहा है जो अपना बलिदान दे सके अपने शहीदों के लिए, अपने परिवार के लिए और हम सभी के लिए। ये पाप है, घनघोर पाप है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों की बलि देकर खुद के लिए मुक्ति चुन रहे हो? गलत गलत है ये, तुम सब अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो और बर्बादी की तरफ। अपने पापों के लिए तुम दूसरों की बलि चढ़ाकर मुक्त नहीं हो सकते। इससे तुम्हें स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे श्रापित है वो जो दूसरों की आत्मा से अपनी शुद्धि करते हैं। श्रापित। ये लो भाई, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। नहीं शुक्रिया। अरे रखो ना, कहना नहीं चाहिए। देखो ये अधर्मी। चुप रहो अधर्मी, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अपने पाप धो लो।
पुलिस! वो टनल के जरिए उत्तर में जा रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसका पीछा छोड़ दो। नर,
Don't. उठाओ कुछ नहीं होगा तुम्हें चलो भी फिल्टर्स कुछ महीनों के लिए काफी होंगे अपना सामान बांध लो यहां से निकलना होगा वो पीछा कर रहा है पर क्या हुआ और वो तुम्हारे चेहरे पर क्या है नहीं कुछ नहीं किसी से उधार लिया था फिर पुलिस वाले आ गए बहुत लंबी कहानी है ठीक है थोड़ा रिपोर्ट एसेंस और थोड़ा पैकी कार्पा और तुमने सुना नहीं मैंने कहा सामान बांध लो हम कहां जाएंगे बताओ तो सही पता नहीं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं तब तक मामला भी सुलझ जाएगा बस यहां वापस मत आना नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तुमने वो चिकन्स देखे छोड़ो उन चिकन्स को जिंदा रहना या नहीं तो छोड़ दूं उन्हें हां क्या कर रहे हो चल रहा है थेटा पार्टिकल्स जलते हैं इसके लिए वक्त नहीं है ऐसा मत करो सुनो मुझे एक बात बताओ सबके नॉर्मल दोस्त हैं पर तुम्हारे क्यों नहीं और तुम जब भी आते हो मुसीबत लेकर आते हो ऐसा क्यों मेरी किस्मत ही ऐसी है अब चलो रेस्ट्रिक्टेड एरिया ये तुम्हारी किस्मत है अभी नहीं चलो इंतजार करो मेरे चिकन्स का क्या होगा छोड़ो चिकन्स को हैंड्स अप हे कैसे हैं आप लोग मैं अरीना के लिए साइन अप करने ही वाला था मेरी प्रॉब्लम नहीं चलो मेरे साथ नहीं 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 ऐसा मत करो अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com अब पहले लिंक पर क्लिक करें आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो वो भी फ्री में बलिदान देने की चाहत ही हमें जानवरों से अलग करती है यह उस पावन अग्नि को जलाए रखती है हमें उन वीरों की जरूरत है जो इस काम के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे उन लोगों के लिए हमारे बंकरों के दरवाजे हमेशा खुले हैं ये शहर उनका इंतजार कर रहा है हमारे पूर्वजों के ज्ञान की वजह से हमने इन विस्फोटों पे काबू पाया है जैसे हजारों साल पहले परंपरागत जान से हम ऊर्जा इकट्ठा करते थे जिससे हम पृथ्वी को शांत कर सकें। जो कुछ भी हमारे पास है वो अरीना की वजह से है पृथ्वी के लिए जान देने की इच्छा मेरी खुद की थी लेकिन पृथ्वी ने मुझ पर दया दिखाई और अब मुझे मौत से डर नहीं लगता कुछ लोग जीतते भी हैं पर असल में चैंपियन को ही इन विस्फोटों से सुरक्षा मिलती है और वो अपने साथ अपने संबंधियों को भी साथ में रहने के लिए ला सकते हैं हमें नहीं पता कि अगला विस्फोट कब दूर क्या रहे हो लेकिन हर बार दूर क्या रहे हो विस्फोट का संकेत देती है आराम से एक नया हीरो
अरीना में आता है ताकि वो हमारे साथ रह सके, हमारे साथ लड़ सके। हमारे पूर्वजों के ज्ञान की वजह से हमने इन विस्फोटों पे काबू पाया है। जैसे हजारों साल पहले परंपरागत डांस से हम ऊर्जा इकट्ठा करते थे। एक नई चुनौती आई है, इसीलिए हमने आप लोगों को चुना है उस पावन बलि के लिए जो कि आप अपने परिवार, चाहने वाले और हम सब के लिए देंगे। अटेंशन वॉलंटियर्स, अपने हाथ टेबल पे रखो, हाथ टेबल पे रखो। जिस किसी के भी 4 से कम पॉइंट हो वो अपने हाथ निकाल ले। ब्रेसलेट अरेना में एक्टिवेट हो जाएगी, वो लेवल्स तुम्हारा स्टैमिना बताएंगे और तुम एनर्जी पैदा करने लग जाओगे। 3 रूल्स का ध्यान रखना, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तुम्हें डांस करना होगा या फिर तुम मरोगे। अपने पॉइंट्स का ध्यान रखना, पॉइंट्स खत्म हुए तो समझो तुम मर गए। ब्रेसलेट हाथ से निकाला तो तुम खत्म। अपनी सीट्स पर बैठे रहो, हिलो मत। चैलेंजर्स एग्जिट की तरफ बढ़ें। आप लोग वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें अरीना में आने का मौका मिल रहा है और ये शहर आपका आभारी रहेगा। यहाँ की हवा फिल्टर्ड है ताकि तुम सांस ले सको। तुम्हें दिन में 4 बार खाना मिलेगा और शाम तक तुम्हें तुम्हारे यूनिफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो हमें महान चैंपियंस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले तुम लोगों को शपथ लेनी होगी और नियम याद रखना। तुम अपने विरोधी को अरीना के बाहर नहीं मार सकते। तुम अपनी जान अरीना के बाहर नहीं दे सकते। हाँ, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम मुझे सजा दोगी, है ना? एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना मना है। जिसने भी ये रूल्स तोड़े वो विद्रोही कहलाया जाएगा और सजा मौत होगी। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो इंटरकॉम दीवार पर है, मेरा कमरा नजदीक ही है, तो सब लोग होशियार रहना। तो अब क्या होगा, हमें खुद से कमरे चुनने होंगे? हाँ, लगता तो यही है। हाँ, हर कोई अपना कमरा खुद चुन सकता है। एक, दो, तीन। मुझे मेरा रूम यही लगता है। 4, 5, 6। तो यहां मैं अय्याशी करूंगा और वो भी तेरे सामने। क्या कहा तुमने? आ जा, बताता हूं मैं कौन। शांत हो जा, शांत हो जा। तो पहले राउंड में ही मारा जाएगा, बस 2 मिनट के अंदर। अच्छी जगह। ओ, मैं आटम कोस्तिया। कितना अजीब लगता है ना कि जिसे तुम मिल रहे हो शायद वो उसका आखिरी दिन हो। अजीब तो तब होगा जब अपने दोस्त को मारना पड़ेगा। लगता है तुम्हें भी जबरदस्ती लाया गया। और तुम्हें? सही समझे, सभी लोग यहां पर ऐसे ही लाए गए हैं। शुरुआत में लोग अपनी मर्जी से आते थे और अब वो इतने फिट नहीं हैं और अब वो मरना भी नहीं चाहते हैं। वो आनिया है, तुम्हारे पहुंच से बाहर है। वो लोकल है और बंकर में ही पली बड़ी है। हमारे जैसे लोग उसके लिए धूल जैसे हैं।
क्या बंकर से भी लोगों को लाया जाता है? हाँ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। मेरे ख्याल से वो अपनी मर्जी से आई है। वो थोड़ी सी पागल है। ये बात है। महीने पहले ही पृथ्वी ने हमारी बलि स्वीकारी थी। 12 प्रतियोगियों ने इस शहर के लिए अपनी जान दी थी। उनकी बलि से हमें वो एनर्जी मिली जिससे हमने पृथ्वी को शांत कराया। पर हाल ही में एक और विस्फोट हुआ जिससे 18 जाने गईं। हम उनकी मौत को जाया नहीं जाने देंगे ताकि और नुकसान न हो। इसीलिए अब हम अरीना शुरू करते हैं। 7 नए हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, जो पावन बलि देकर हम सबको इस मुसीबत से बचाएंगे। इनमें से 6 की मौत होगी और 1 चैंपियन बनेगा जो हमारे साथ यहां रह सकेगा। सभी प्रतियोगी अब पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, ये मेरा जीवन मदर अर्थ के नाम। सभी प्रतियोगियों की जय हो। इसे कहते हैं खाना। मुझे तो लगा था कि ये हमें कुछ सड़ा गला खिलाएंगे। शुक्रिया। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सब मरने ही वाले हैं। बांटना नहीं सीखा क्या? उसे खाने दो दोस्त, वो जितना खाएगा उतना ही स्लो हो जाएगा। तुझे लगता है उससे तुझे फायदा होगा? मुझे नहीं लगता तुम अरीना में टिक पाओगे। तुम्हारा ध्यान खाने पर ही है। मेरा ध्यान तुम पर भी है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूं। क्या लग रही हो? तड़कती भड़कती जवानी, सब राख में बदल जाएगा। दुख की बात है ना, जवानी बेकार जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। सोचो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसे अकेला छोड़ दो। कोस्टिया, शांत हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सब मरने ही वाले हैं। मैं इससे निपटने का इंतजाम करके आता हूँ। शांत हो जाना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ कहा था तुरे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी समझाता हूँ। जब तक यहां हो अपने काम से काम रखो। तुझे लगता है मजाक है? गलत। शांत हो जाओ। मेंटल जबरदस्त है, मैं तो उसी पे बेट लगाऊंगा।
यहाँ प्रॉब्लम हो गई है लंच रूम में, या कोई किसी को भेज सकता है यहाँ पे? क्या हो रहा है? लिविंग एरिया में कोई प्रॉब्लम है। वहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं है? नहीं, रुक जाओ, अरीना में एक दिन बाकी है, उससे पहले थोड़ा मजा लेने दो। अगर ये आपस में लड़ते रहे तो अरीना का क्या होगा? सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम एग्जीक्यूटिव नहीं बने। बनने में ज्यादा देर नहीं है। रुको, कोई तकलीफ नहीं? सब अपने कमरे में जाओ, जल्द ही। मैंने कहा था कि शांत रहो, कहा था ना? इसे ढूंढ रहे हो ना? अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। आन्या, तुम नहा रही थी क्या? ये पूछने आए हो? नहीं, कुछ और पूछना था। वैसे आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। ओह, तो हीरो अपना इनाम लेने आया है? नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए तुम शुक्रिया तो कह सकती हो। ओह, शुक्रिया? ओह नहीं, वो तो काफी नहीं होगा। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? शायद मैं वो बोरिंग सा खाना खा लेती। सही कहा ना? मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूं, समझे? तो बस यही, गुड नाइट किस तो दे दो। तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं है? निकलो यहां से। वो रहा दरवाजा। जाओ। Thank you.
दोस्तों, वक्त आ गया है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग वहाँ मत जाओ। ये पृथ्वी की इच्छा के खिलाफ है, ये पाप है, ये घोर पाप है। तुम्हारा गुरूर तुम्हें अरीना की तरफ खींच के ले जा रहा है। तुम्हारा गुरूर आत्माओं का नाश होता है वहाँ। वहाँ मत जाओ, वहाँ पाप है, पाप है, वहाँ मत जाओ। बलिदान दो, 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 बलिदान दो। हम भूल गए हमें किसने जन्म दिया। सदियों से हमने अपनी पृथ्वी माँ का शोषण किया है, वो भी उनकी इच्छा के बिना। हमें लगा कि हम अपनी बूढ़ी माँ से जितना भी चाहे प्यार ले सकते हैं, पर उन्होंने हमें नकार दिया। और कल मैंने उनके रोने की आवाज सुनी। आई एम सॉरी दोस्त। कल का विस्फोट उनके दिल पे मत लेना। हमें उनके आंसू पोंछने होंगे। अपनी एनर्जी उन्हें देकर वापस गो, वापस गो, वापस गो, वापस गो, वापस गो। ये तो बहुत मुश्किल है। पहली वाली बलि है पृथ्वी के लिए।
एग्जीक्यूटिव का हुक्म है कि पहली बलि की खुशी में असली सेब परोसे जाएं। ज्यादा खुश मत हो, एक बार जीते से तू चैंपियन नहीं बन गया। किसी ने तुम्हारी राय मांगी क्या? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना, जाओ कह दो उनसे। मैं नहीं कह सकती, उनके आदेश का पालन नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी। इस साल हमारे पास इतने प्रतियोगी नहीं थे, पर मैं आपको उस चीज के लिए परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं बूढ़ा जो हो गया हूं, ये तो एकदम असली। अगर आप बस सिर्फ एक, बस एक, सिर्फ एक, मैं सिर्फ पवित्र परंपरा चलाता आ रहा हूं। मुझे लगा इसके बदले में आप इनाम देंगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, पर अगर तुम्हारे उपदेश हमें और प्रतियोगी दे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पाप है, तुम उस फल को ऐसे नहीं खा सकते हो। वैसे मैं साहब का ज्ञान सिर्फ अरीना तक ही सीमित नहीं है, बाकियों के साथ भी ये ज्ञान बांटिए ताकि वो कट्टरवादी ना बने। पृथ्वी की कृपा से मैं काफी सालों से जीवित हूँ, काफी कुछ जानता हूँ। हाँ, पर पृथ्वी की कृपा आपको एग्जीक्यूटिव को मनाने में मदद नहीं करेगी। सब कुछ बदल सकता है अगर आप चाहें तो। सोचिए इसके बारे में। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी इस चालबाजी में मत घसीटो। क्या चाहिए तुम्हें? आनिया कहां पर है? तुम्हें इससे मतलब? क्या तुम उसे पसंद करते हो? शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इंटरेस्टिंग। अरीना में जाने से पहले ही मरना चाहते हो? शायद मैं यही चाहता हूं। आन्या सही कहती है, मरते हुए आदमी की इतनी ख्वाहिशें। तुम हम पर नजर रख रही थी। निकलो यहां से। अंदर आ जाओ। क्या दिख रहा है तुम्हें? खंडर, गरीबी, डर, जिन सब चीजों से आप डरते हैं। और मुझे एक शहर दिखता है जो ये सब होने के बाद भी बचा हुआ है। उस दीवार ने हमें खत्म होने से बचाया है,
और उसी वजह से लोगों की जानें बची हुई हैं और शांति कायम है। तो आप शांति कैसे बनाए रखते हैं? 2 हफ्ते से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, पूरे 2 हफ्ते से, और तुम हमें मिलती हो एक प्रतियोगी के रूप में। तुम ऐसा क्यों करती हो? आप नहीं समझे? याद है लेरा, ये 1 साल पहले की बात है। वो अरीना में मारी गई आपकी वजह से। उसका ड्रॉ भी वैसे ही निकाला गया जैसे बाकियों का होता। नहीं, आपने उसे चुना था जैसे आप चुनते हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इकलौती फ्रेंड, क्योंकि उसके डैड आपसे हर वक्त सवाल करते थे, है ना? खैर, आप जानते हो ना डैड, हमारे जैसे लोग अरीना में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन आपने उसे चुना क्योंकि वो आपके दुश्मन की बेटी थी। मैं चैंपियन बनूंगी और तब आपको मुझे सच बताना पड़ेगा, मुझे और बाकियों को भी। मैं आपके राज को नहीं छुपाऊंगी, सब लोगों को बंकर की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। अगर तुम अरीना में बच भी गई तो वो तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें जान से मार डालेंगे आन्या। तब भी आप मुझे बचाओगे, है ना डैडी? अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। देखो, तुम पागल हो गए क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? अपना कोट लो और चलो। कोस्टिया, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स पता है? अगर हम पकड़े गए तो फिर अरीना भी हमें नहीं बचा सकती। हाँ हाँ, पता है, अगर हम पकड़े गए तो वो हमें मार देंगे, लेकिन वैसे भी हम तो कुर्बानी होने वाले हैं, तो रिस्क ले लेते हैं। यहाँ कैमराज लगे हैं। कैमराज सिर्फ लिविंग एरिया में। टारगेट सामने है, हिलना मत। ये कहां से आया है? देखिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। आराम से, धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने ये सब आनिया के लिए किया था, बेवकूफ। आनिया के लिए किया था? भूल जाओ उसे, अब तो तुम भी मरने वाले हो। बहुत हुआ। सुनिए, ये आदमी पागल है, ये यहाँ के रूल्स को नहीं मानता, ये विद्रोही है, इसने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है, और आपने देखा, मैं इसे भागने से रोक रहा था। चुप रहो। बात तो सही कह रहा है, इस विद्रोही ने अपने पवित्र वचन को तोड़ा है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? इसे मार दिया जाए और पृथ्वी को उसकी एनर्जी भी न मिले? लड़ाई शुरू हो चुकी है और पृथ्वी को इसकी एनर्जी की जरूरत है। एक विद्रोही की एनर्जी भी? ये उससे भी बड़ा विद्रोह होगा अगर अरीना उसकी एनर्जी ना ले। जैसा आप कहें, आखिर आप एग्जीक्यूटिव हैं। हे, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। एग्जीक्यूटिव, हम सब ने किसी ना किसी तरह बलिदान दिया है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। लोगों को नियमों की परवाह नहीं होती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर तुम उनकी तरह नहीं हो। नहीं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ।
क्या मुझे इसके लिए इनाम मिलेगा? मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एक सम्मानजनक मौत से बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम मुझे पसंद आया आटन, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। शायद तुम चैंपियन बन जाओ, शायद नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बराबरी का मौका मिले। और तुम ये क्यों करोगे? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमें ज्वाइन करता है। तुम आन्या के बारे में क्या कह रहे थे? आन्या, तुम उसे पसंद करते हो? उसे कौन पसंद नहीं करेगा, वो है ही इतनी अच्छी। तुरंत खड़े हो जाओ। सिर्फ अभी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, पर तुम्हारी अगली लड़ाई आसान नहीं होगी। निकलो यहां से। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया ऑटम? क्या बात है? आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करता हूं, बस मेरी एक ही मांग है। जरा मुझे याद दिला दें एग्जीक्यूटिव, इस बार रीना में कितने प्रतियोगी आए हैं? जी 7। सिर्फ 7? वो तो हमारे लिए ही कम है, और तुम ये चाहते हो कि एक को छोड़ भी दिया जाए। मैं अपने हिस्से का आपको देने के लिए तैयार हूं। तुम तैयार होगे, पर बाकियों का क्या वो भी तैयार है? मैं यहाँ का हेड हूँ और सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। तुम यहाँ परंपराओं की रखवाली करने के लिए आए हो, परंपरा ही बची है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। हमें इन्हें बचाना होगा, उसे इन सबसे गुजरना ही होगा। तुम बच गए? क्या सभी को पता है? तुम्हें तो पता ही है ये छोटा सा शहर है और यहाँ खबर तेजी से फैलती है। क्या तुम दोबारा कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? वही दरवाजा खोलना। तुमने बाहर का दरवाजा खोला था, राइट? शायद। तुम डरो मत, मैं आटम की तरह धोखा नहीं दूंगी। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो खुद के मालिक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी छोटे से बीज से पैदा हुए हैं और बाकियों की जिम्मेदारी उनकी नहीं। मैं समझा नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या नहीं समझे तुम? कि हमने धरती माँ अरीना हारने वाले की एनर्जी क्यों लेती है, जबकि जीतने वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी। क्या फर्क पड़ता है? अरीना एनर्जी डांसर्स द्वारा पंप करती है, हम बस एक कंडक्टर की तरह है। जो जल जाए तो उसकी एनर्जी ब्रेसलेट में इकट्ठा हो जाती है। वो एनर्जी केवल उसके मरने के वक्त ही इकट्ठा की जा सकती है। अगर वो अरीना बंद ना करे
बस तो सब के सब एक साथ मारे जाएंगे। धरती माँ का कर्ज चुकाएंगे। पर दो डांसर्स किस लिए? Well, एक को तो मरना ही है, दूसरा इसलिए ताकि वो बच सके। डीजे क्या करता है? अरीना यानी कि फोर्स फील्ड, जिसका कंट्रोल डीजे के हाथ में होता है। तो समझे, धोखेबाजी और परेब, यही इस शो का फॉर्मेट है। मैंने सुना तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। तुमने बिल्कुल सही सुना। तो फिर भागना क्यों चाहती हो? जो भी सोचना है सोचो, बस दरवाजा खोलो। अपना कर्तव्य पूरा किया। काफी ताकतवर दावेदार है। मैं अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं थी। राजा को छिपने की जरूरत नहीं। खुद को राजा समझते हो? तुम्हें यकीन है? मैंने सुना है कि एग्जीक्यूटिव तुम्हें अपना वारिस नहीं समझते। हम सारे चैंपियंस चाहते हैं कि तुम राज करो। मैं उसकी जगह ले लूंगा, वो चाहे या ना चाहे। बस मुझे सही वक्त का इंतजार है, सिर्फ एक गलती। मुझे पता है कि वो कब होगी। मास्टर की कमजोरी उसकी बेटी है। अच्छा, उसकी बेटी? तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे पता है उसकी अगली लड़ाई किसके साथ है। जाहिर है कमजोर वाले से है, और वो ही उसकी आखिरी गलती होगी। अगर तुम कामयाब भी हो गए तो क्या क्यूरेटर तुम पर यकीन करेंगे? उन्हें पूरी बात नहीं पता होगी। वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं।
अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। बंकर एक ऐसी जगह जहां साइंटिस्ट विस्फोट को रोकने का एक अनोखा और नायाब तरीका ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसमें इंसानी जिस्म से बिना जान जाए उसकी पूरी एनर्जी को बॉडी से निकाला जाए। पर वो टेक्नोलॉजी गुम हो गई और जो बचा है वो ये है। मैं इसी बंकर में पली हूँ। मैं सभी जगह देख चुकी हूँ बस उस बंद जगह को छोड़कर। मुझे वो जगह देखनी है, शायद वही सारे जवाब हो। तुम समझ नहीं रही हो, हम सब यही अरीना में मरेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। सुनो, मैंने बहुत टूर्नामेंट्स देखी हैं और उससे एक चीज समझ में आई है। अरीना में जीतने वाले भले ही अच्छे स्किल वाले ना हो, पर उन्हें एनर्जी की अच्छी परख होती है जो उन्हें काबू कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। समझ में आया तुम्हें? उम्मीद है तुम्हारी मदद करे। इससे तुम्हारी भी मदद हो सकती है क्योंकि तुम्हें वो बात है, क्योंकि तुम एक विनर हो। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि किसी को मेरे लिए दरवाजा खोलना है। कम से कम पहले गुड लक किस तो दे। कोशिश अच्छी है। हाँ, अगर तुम जीते तो हो सकता है तुम्हें मिल भी जाए। आप? कल तुम्हारी लड़ाई है, क्या तुम नर्वस हो? मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, एक चैंपियन बनना या फिर अपने आप को पृथ्वी के हवाले सौंप देना। पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। हाँ, शायद कल तुम मारे जाओ। तो बताइए मैं क्या करूं? इस शहर के लिए अपनी जान देना गर्व की बात है। पर मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाने का एक मौका दूंगा। तैयार? हां, पर तुम्हारे बाद। चांस और जस्ट डाई। बस तुम बैलेंस और कंट्रोल याद रखना। तुम चिंता मत करो, इनमें से चाहे कोई भी जीते हम उसे हरा देंगे। कमॉन। बहुत बढ़िया।
अब है मुक्ति, हम सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। मुक्ति से अच्छा इनाम और क्या हो सकता है? अब वक्त आ गया है एक और दावत का, एक और जान जो होगी पृथ्वी के नाम। अब अरीना ही इसका फैसला लेगी कि कौन सही प्रतियोगी है बलि के लिए। वापस दो, 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 वापस दो। तुम सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये लड़ाई बराबरी की है? एग्जीक्यूटिव ने जानबूझकर उस कमजोर को उसके साथ लड़ाया। मैंने तुम्हें एक महान चैंपियन बनाया और तुम मेरा शुक्रिया ऐसे अदा कर रहे हो? आपकी बेटी अब बेकाबू हो गई है। जरा सोचिए क्या होगा अगर ये लड़की जीत जाती है तो? क्या होगा अगर वो हमारे साथ आ जाए और अरीना के सीक्रेट्स जान जाए? डांस और जस्ट डांस। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। वो प्राणवायु अरीना में है। किसने उसे वो चीज दी? किसने? अरीना खाली कराओ। निकलो, अरीना से बाहर निकलो, निकलो सभी। ये ठीक नहीं लग रहा है। हटो। उसके पास वो नहीं था। मैंने खुद चेक किया था। मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे कौन है। गिरफ्तार कर लो इसे। हाथ हटाओ। इसका नाम हटाना होगा। ये और डांस नहीं कर सकती। अब क्या होगा? क्या वो तुम्हें इस हालत में भी डांस करवाएंगे? तुम अभी भी नहीं समझे। वो अरीना का इस्तेमाल आपसी रंजिश मिटाने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम वहां जाकर अपनी जान दे दोगी? हाँ बिल्कुल, जैसे आज मैंने उसे मारा। इसीलिए क्या तुम मेरे लिए वो दरवाजा खोलोगे प्लीज? मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं खोल पाया क्योंकि मैंने चाबी चुराई थी। शुक्रिया सच बताने के लिए। क्या
क्या तुम ये मुझे कभी नहीं बताने वाले थे? कभी भी नहीं। मैंने सोचा था बताने से पहले मैं मर जाऊंगा। आज तुम्हारा दिन नहीं था। शायद यही मेरी किस्मत है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? कुछ भी नहीं होगा। बकवास बंद करो, तुम रूल्स को जानते ही हो। हम दोनों साथ में नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। और नहीं तुम्हारे बिना मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे कह चुका हूं ना, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं बस रस्म और रिवाज देखता हूं। जबकि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उससे क्या मतलब? वैसे मैंने आपकी नई फेवरेट चीज देख ली है। जवान लड़कियां काफी एनर्जी लेती हैं और उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं। तो क्या तुम्हारे पास वो ब्रेसलेट है? शायद। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये मुझे क्यों दे रहे? नादान बनने की कोशिश मत करो, ये लो और निकल जाओ यहां से। एक बार कोशिश की थी, लिविंग एरिया से बाहर भी नहीं निकल पाया। इसमें आपका क्या फायदा है? तुम मेरी बेटी को साथ ले जाओ। बेटी? आन्या, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हां, इस बात पर तो हम दोनों सहमत हैं। काम हो जाना चाहिए। मेरी बात चैंपियन ग्रे से करा, वो भी जल्दी। तुम झूठ बोल रहे हो या कोई चमत्कार हो गया? बस ये समझ लो कि आज मेरी किस्मत अच्छी है। वहां जाएंगे, मुझे पता है, भरोसा रखो। रुको रुको रुको, उस तरफ। मुझे तो लगा था कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। शायद तुम। मुझे वो सील सेक्टर में जाना है। पर किस लिए? वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं वो उसमें है, और मुझे वो जानना है। चलो चलो चलो। ये नहीं खुलने वाला, चलो यहाँ से। ओफ़ो। वक्त बर्बाद मत करो। जरा रुकोगे तुम? हिलना मत! तुम मत! मैंने कहा था ना, बैलेंस और कंट्रोल। याद रखूंगा। चलो चलो चलो। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में।
यहीं रुको, मैं इनसे निपटता हूं और तुम मेरे साथ चलो। अब ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। यहां पर ऐसे कितने हैं? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे ये मौका भी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव को मनाना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, बैठिए आप। हालांकि इस शहर में अब भी बहुत बेवकूफ लोग हैं जो इस परंपरा को मानते हैं और इसे बचाना भी चाहते हैं। अजीब बात है। मैं बस थोड़ी देर में आया। क्या ये परंपरा का हिस्सा है, रक्षक माइस? क्या तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। मुझसे? चैंपियन ग्रे मुझे अपना ब्रेसलेट इस्तेमाल करने देता है। पर क्यों? क्या रीजन है? गार्ड्स! इससे उम्र बढ़ती है। लेकिन ये एनर्जी मदर अर्थ के लिए है ना? अर्थ के लिए? अर्थ के लिए तुम्हें कुछ नहीं पता। अर्थ को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर उस एनर्जी का क्या? उससे तो हम विस्फोट रोकते हैं, राइट? कैसे विस्फोट? यहाँ कोई विस्फोट नहीं होते हैं। 20 साल से तुम लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ चल क्या रहा है। हम एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं, बाकी का हमारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? रुक जाओ। ओ ग्रे, 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 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो ग्रे। अबे मैंने कुछ नहीं बताया है। बचाओ, बचाओ मुझे ग्रे, ग्रे बचाओ। माफ करना दोस्त। तुम मेरे साथ हो? तुम चले जाओ नहीं तो पकड़े जाओगे। क्या? अरे नहीं। सुनो, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, बाहर मदद नहीं मिलेगी। वो तुम्हें मार देंगे। नहीं, वो टूर्नामेंट कैंसिल कर देंगे। जाओ। तुम्हारा क्या? मेरी बात सुनो, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे पर तुम्हें मार देंगे। प्लीज, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए।
दीजिए। विस्फोट की प्रक्रिया शुरू होती है। डेल्टा पार्टिकल्स आर लोडेड। तो लगा तुम सिर्फ शिकार चुनते थे, लेकिन तुम उन्हें खाते भी थे। मैं जानता था तुम मुझे नहीं समझोगी। जिंदगी इसी का नाम है, कोई देता है और कोई लेता है। तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो। कुछ एनर्जी ही चैंपियंस को मिलती है और बाकी क्यूरेटर्स को जो हमें इस शहर पे राज करने देते हैं। यानी विस्फोट अपने आप से नहीं होते। तुम करवाते हो, तुम बेगुनाह लोगों की जान लेते हो। तुम लोगों की जान लेते हो। मेरी बात सुनो। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैं फाइनल कैंसिल कर दूंगा। तुम कुछ कैंसिल नहीं करोगे। चैंपियंस तुम्हें रूल्स बदलने नहीं देंगे। मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। नहीं देखना चाहती। माफ कर दो मुझे, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने एक फैसला लिया है, इस बार कोई चैंपियन नहीं होगा। मैं फाइनल कैंसिल कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। फाइनल हमारे लिए जरूरी है, आप ये जानते हैं। हम परंपरा को तोड़ नहीं सकते। मुझे परंपरा की रक्षा करने के लिए चुना गया था और मुझे नहीं लगता कि एक घायल लड़की पृथ्वी को किसी भी तरह से एनर्जी दे सकती है। आप ये फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? वैसे माइस कहां पर हैं? मेरे ख्याल से रिवाजों को तो वो देखते हैं। इस बात का मुझे नहीं पता, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि आज दूसरी बार किसी प्रतियोगी ने भागने की कोशिश की और हमारे एग्जीक्यूटिव की बेटी उसके साथ थी। मेरे पास एक गवाह है जिसने एग्जीक्यूटिव को उनकी मदद करते हुए देखा। जब माइस ने इसका खुलासा करने की कोशिश की तो एग्जीक्यूटिव ने उन्हें मार दिया। क्या क्या आप बताना चाहेंगे कि वो गवाह कहाँ है? उसे लेकर आओ। नर्ड, मैंने तुमसे कहा यहां नहीं आना।
ये है हमारा फ्यूचर चैंपियन। इसने शहर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है, भागने वाले प्रतियोगी को पकड़वा कर, और यही मेरा गवाह है। चलो बताओ, मैं इसकी जान किसने ली? एग्जीक्यूटिव ने। जब मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था तब वो जोर से जब मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था तब एग्जीक्यूटिव ने उन्हें चुप रहने के लिए ब्रेसलेट का लालच दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गुनहगार ठहराता हूँ, और तुम्हारा गुनाह है पुजारी माइस का कत्ल और राज विद्रोह। ये तो धोखेबाजी है। अपने हथियार नीचे करो और किसी एक को ही सजा मिलेगी। मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। ये आज की आखिरी बलि है। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। तुम्हें प्रतियोगियों को आखिरी लड़ाई पर ले जाना होगा। क्या ये एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है? मैं ही एग्जीक्यूटिव हूँ। हम सब इस आखिरी लड़ाई का इंतजार कर रहे थे और आज वो आखिरी दिन आ ही गया। आज अरीना अपनी आखिरी बलि की जिंदगी लेगी और वो बलि हमारे लिए शांति लाएगी। तुम्हारे डैड तुम्हें लड़ना होगा। समय हो गया है, अरीना में जाओ। उनका डांस हमें डर और नुकसान से बचाएगा। आज हम अंधेरे को चैलेंज करते हैं डांस ऑफ लाइफ और डांस ऑफ डेथ से। हमारे नए चैंपियन को चुनेगी।
लड़ाई एग्जीक्यूटिव को समर्पित की जाती है जिनका आज देहांत हो गया। एग्जीक्यूटिव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पर देवियों और सज्जनों, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और प्रतियोगी वापस आ गया है। हमारे कायदों के मुताबिक हमें इस विद्रोही को मार देना चाहिए। हमने तय किया है कि हम पृथ्वी को एक और बलिदान अर्पित करेंगे। वापस दो, 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 वापस दो। मुझे माफ कर देना, अब तक तो तुम चैंपियन बन गई होती। हाँ, कोई बात नहीं, शायद यही सही है। मुझे लगा मैं अपने डैडी से नियम बदलवा सकती हूँ, पर वो यहाँ से चले गए। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। समझ में नहीं आ रहा क्या है? क्या ये यूनिट काम कर रही है? नहीं, ये विद्रोही अरीना को तबाह कर देंगे। आखिर हो क्या रहा है? आप खुद ही देख लीजिए। अलविदा कोत्स्या। अलविदा। वो लेवल्स देखे? पता नहीं इसे क्या हो गया, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह इसे ठीक करो।
उन्होंने अरीना तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? ये हमारे रक्षक हैं। हाँ, उन्होंने हमारी जान बचाई। तुम कायर हो। रुकिए, इनके ब्रेसलेट में एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा है। मैंने इतनी एनर्जी कभी नहीं देखी। अगर हम उसको निकाल लें और अपने सिस्टम में उसकी जांच करें तो हमें कुछ हासिल हो सकता है। तो देख क्या रहे हो, इनके ब्रेसलेट निकाल लो। लेकिन नियमों के हिसाब से अब सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। तुम बेहतरीन प्रतियोगी थे, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, मौत। तुम्हें धोखेबाजी करने का दोषी पाया गया है और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें सजा देने में। सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं। क्यूरेटर्स ने आदेश दिया है कि तुम्हें दूसरी जगह भेज दें। तुमने प्राचीन शक्तियों को जगाया है, नई चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com।
अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में।